तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। बैड बन्नी, कौन है बैड बन्नी, ये सीधे WWE में कैसे घुसाए? आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए खास है दोस्तों, जो छोटे मोटे रेसलिंग प्रमोशंस में काम कर रहे हैं, जिनका यह सपना है कि वह WWE में जाएं। कई सारे लोग जो रेसलर बनने का सपना रखे हुए हैं, वह भी हमारे चैनल को देखते हैं, और मुझे खुशी होती है CWE से भी कुछ लोगों ने हमारे चैनल को देखा। अब ऐसे में ऐसे लोगों के मन में तो यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर कौन है बैड बन्नी और यह सीधे WWE रॉयल रंबल में घुसाए। कंपनी वालों ने हमें नहीं लिया, आखिर इन्हें क्यों ले लिया? इनके पास तो रेसलिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत बड़ा राज बताने वाले हैं और आपको पता चल जाएगा कौन है बैड बन्नी और आप भी बैड बन्नी की तरह ही कैसे WWE में घुस सकते हैं। तो देर किस बात की, बिना देर किए सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को। तो फ्रेंड्स, रॉयल रंबल में बुकर टी और बैड बन्नी ने मिलकर साथ में परफॉर्म किया था और उन्होंने एक शानदार सॉन्ग भी हमें उनका देखने को मिला था। लेकिन बैक स्टेज में मिज और जॉन मॉरिसन ने बैड बन्नी और बुकर टी के साथ थोड़ा पंगा कर दिया था और बाद में द मिज ने एंट्री करते हुए स्टेज एरिया में मौजूद बैड बन्नी के सामने तोड़फोड़ भी किया हुआ था। उसके बाद रॉ में भी हमने इन्हें देखा। तो आप लोग यह सोच रहे होंगे दोस्तों कि बैड बन्नी WWE में कैसे आ गए? तो दोस्तों, बैड बन्नी का भी सपना था वह रिंग में जाएं लड़ें। और आपको मैं बता दूं, बैड बन्नी एक प्रसिद्ध रैपर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, इसके साथ ही सिंगर भी हैं दोस्तों। रॉयल रंबल मैच के दौरान प्रसिद्ध रैपर बैड बन्नी ने द मिज और जॉन मॉरिसन के ऊपर टॉप रोप से डाइव भी लगाया था। अब दोस्तों, WWE वालों ने इन्हें क्यों बुलाया है, सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। तो दोस्तों, आप यह जान के हिल जाएंगे कि बैड बन्नी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध इंसान है, बहुत ही प्रसिद्ध रैपर है और विदेश में इनकी बहुत ज्यादा मतलब जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में WWE वालों ने इन्हें बुलाकर अपना फायदा देखा। अगर आप भी बैड बन्नी की तरह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं और कंपनी वालों को आप में अपना फायदा दिखेगा तो वह आपको भी बुलाएंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कई ऐसे रेसलर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी वह WWE में नहीं जा पाते हैं, पर बैड बन्नी चले गए क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। यह पहले परफॉर्मेंस सेंटर गए थे दोस्तों रॉयल रंबल में आने से पहले, वहां थोड़ी इन्होंने ट्रेनिंग ली। और आप देखिए, इनके इंस्टाग्राम में देखिए 29.7 मिलियन तो इनके फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम में। वहीं फेसबुक में भी आप साफ देख लीजिए 9 मिलियन के करीब फॉलोअर हैं इनके। और मैं आपको कई ऐसे रेसलर्स बता दूंगा दोस्तों जिनके इनसे कम ही फॉलोअर हैं। तो आप ऐसे में सोचिए दोस्तों, ऐसे प्रसिद्ध आदमी को WWE वाले क्यों नहीं बुलाएंगे? इनको बुला के कंपनी वालों का क्या फायदा हुआ, यह भी मैं बताऊंगा आपको। बैड बन्नी का जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस हुआ था रॉयल रंबल के टाइम दोस्तों, उसमें 3 मिलियन व्यू गए थे WWE चैनल पर। इसके साथ ही जो इन्होंने डाइव मारा था मिज और जॉन मॉरिसन को संडे में, उसमें 1.5 मिलियन व्यू चले गए थे उसी समय। साथ ही मिज टीवी में जो इनकी अपीयरेंस हुई थी रॉ में, वहां पर 1.1 मिलियन व्यू चले गया था दोस्तों। तो आप सोचिए, इन्होंने कंपनी वालों का कितना फायदा करवाया। ऐसे प्रसिद्ध लोगों को बड़े आराम से कोलैबोरेशन के लिए बुला ही लिया जाता है दोस्तों। साथ ही मैं आपको बताऊंगा, एक प्रसिद्ध यूट्यूबर भी है हमारे भारत देश से, मुंबई बाइकर निखिल, आप उनके चैनल पे जाएंगे तो वह भी एक बार WWE के कुछ रेसलर्स के साथ उन्होंने वीडियो बनाया था, एक व्लॉग टाइप का बनाया था, उसमें मैंने उन्हें कोफी किंगस्टन के साथ भी देखा था दोस्तों। ऐसे में आप वह वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो मैं सीधा सीधा आपको यही कहूंगा कि WWE में अगर आपको जाना है तो अपना थोड़ा फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा तगड़ा बना लीजिए, इतनी ज्यादा प्रसिद्धि कर लीजिए दोस्तों कि कंपनी वाले आपको बुला ही लें, कंपनी वालों को आप में अपना फायदा दिखे। बहुत सारे रेसलिंग से जुड़े लोग मेरे से यह सवाल कर रहे थे कि मोनू भाई यार, ये चले गए, हमें भी जाना था। अब देखो दोस्तों, जाना तो मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं भी ब्रॉक लेसनर के साथ बैठ के चाय हाय पीऊं। तो दोस्तों, ऐसा तभी संभव है जब आप बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो जाएं और कंपनी वालों की नजर आप पे पड़ जाए और कंपनी वालों को आप में अपना फायदा दिखे। अगर ऐसा हो जाता है तो दोस्तों, कंपनी वाले आपको क्यों नहीं बुलाएंगे, आप ही बताइए। बैड बन्नी की तरह आप बन गए, माइक टायसन की तरह आप बन गए, तो आपको तुरंत बुलाया जाएगा कंपनी में। तो दोस्तों, बैड बन्नी से आपने क्या सीखा, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही यह भी बताइएगा कि आप में से कितने लोग बैड बन्नी की तरह ही WWE में जाना चाहते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।